सेवन क्लास हम लोग अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना दूसरा वाला स्टार्ट करेंगे। आज पहले हम ये नज्म जब्त और इसकी रीडिंग कर चुके हैं और बुक पर भी हमने कर लिया था। क्वेश्चन आंसर्स और अल्फाज हमने आप लोग स्क्रीन आउट से देख के ही करेंगे। आज हम इसका खुलासा करेंगे। अनवान है नज्म नज्म जब्त इसका खुलासा करेंगे, ठीक है। नज्म जब्त अरबी जबान के दो लफ्ज़ों नज़म और जब्त का मजमुआ है। मजमुआ किसे कहते हैं? मिलकर बना हुआ, यानी नज़म और जब्त एक दोनों अल्फाज मिलकर बने हुए हैं। नज़म के मायने लरी में परोना और तरतीब देना। जब्त के मायने हैं रुकावट यानी मुश्किल, ठीक है, यानी अपने मामलात में कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज्म जब्त है। यानी जाती मफादात और ख्वाहिशात को रोक कर अपनी सलाहियतों को किसी नस्बुल ऐन की खातिर नज़म करना नज़्म ज़ब्त कहलाता है। मफादात किसे कहते हैं? फ़ायदे को, ठीक है, और सलाहियतें यानी खूबियां जो हमारे अंदर हैं, और नज़्मुल ऐन यानी कोई ख़ास मकसद, यानी कि हम अपने ज़ाती मफादात को ख्वाहिशात को रोक कर अपनी खूबियों की बिना पर किसी मकसद को पूरा करें, उसे नज़्म ज़ब्त कहते हैं, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्म ज़ब्त की अहमियत पर जोर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी सफ़ें सीधी करो, सफ़ें टेढ़ी मत बनाओ, वरना अल्लाह तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर देगा। ये सफ़े किसे कहते हैं? जब हम नमाज के लिए जमात में खड़े होते हैं ना, उसे सफ़े कहते हैं। यानी हमें जमात में खड़े होते हुए सीधी सफ बनानी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी सफ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये भी नज़्म ज़ब्त सिखाती है हमें। एक तालिबे अपने रोज़मर्रा के काम मुकर्रर अवकात में करे तो इससे इम्तिहान में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बरस अपने काम में काहली दिखाने वाला तालिबे इम्तिहान में सख्त परेशान होता है। यानी जो तालिबे अपना काम रूटीन से करता है, उसका हर काम करने का एक वक्त मुकर्रर होता है, तो वह इम्तिहान में परेशान नहीं होता। वह वक्त पर खाता है, वक्त पर सोता है, वक्त पर अपनी पढ़ाई करता है और वक्त पर खेलता है। और इसके बरक्स जो सुस्त तालिबे होता है, जो काहली दिखाता है, सुस्ती दिखाता है, तो उसको इम्तिहान में परेशानी होती है, क्योंकि उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, कोई नज्म ज़ब्त नहीं होता काम करने के लिए, ठीक है। इसी तरह जो खिलाड़ी टीम के मफाद को मद्देनजर रखकर खेलते हैं, वो हमेशा सुरखरू होते हैं। मद्देनजर क्या मतलब है इसका? ध्यान में रखते हुए, और सुरखरू का मतलब है कामयाब होते हैं। यानी जो खिलाड़ी अपने मफाद को, अपने फायदे को देखे बगैर टीम के खातिर खेलते हैं, तो वो हमेशा टीम हमेशा कामयाब होती है। उनका एक नज़्म ज़ब्त दिखाई देता है। इसलिए बड़े लोगों की कामयाबी का राज भी नज़्म ज़ब्त है। हमारे अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी नज़्म ज़ब्त की बेहतरीन मिसाल है। यानी हमें कायद आजम की जिंदगी से पता चलता है कि वो भी किस तरह नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करते थे, अपने हर काम को असूल और कायदे के मुताबिक करते थे। आज हमने इसका खुलासा कर लिया है। अब आप लोगों ने इसे नोटबुक्स पे कॉपी करने और अच्छी तरह याद कर